हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पीएससी प्री का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया है और यूपीएससी का भी 26 मई को है। तो यूपीएससी और पीएससी को ध्यान में रखते हुए आज हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चंद मिनटों में ही संपूर्ण राज्य व्यवस्था के जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सब जानेंगे और कुछ ही मिनटों में पूरी राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर देंगे। तो आइए बिना समय गवाए शॉर्ट नोट्स के द्वारा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा रिवीजन करते चलते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते चलते हैं। राज्य व्यवस्था की स्टार्टिंग हो रही है तो पहले तो देखते हैं राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है। तो राज्य में चार तत्व होते हैं, एक तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और जब इसमें भावनात्मक अभिवृत्ति मिल जाती हैं, जैसे उसका संस्कृति, इतिहास, जाति, भाषा, निर्जातियाँ, तो उससे क्या बन जाता है? राष्ट्र। संविधान क्या है? नियम, विधि, लक्ष्य का संग्रह है। राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम अमेरिका देखते हैं तो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था अमेरिका। पहले परिसंघात्मक व्यवस्था थी, बाद में संघात्मक व्यवस्था हुई। अब इसमें क्या था कि संघ से ज़्यादा राज्य शक्तिशाली है। अमेरिका में लिखित संविधान है, अवशिष्ट विषय राज्य के पास हैं, दो सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। एक निम्न सदन जनता का, उच्च सदन राज्य का। अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो ये शॉर्ट में हमने अमेरिका के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम या यूके के बारे में। तो देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, अलिखित संविधान है, संसद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, शक्ति का विभाजन नहीं है, एकल नागरिकता मिलती है। अब देखिए यूके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो उनमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो उसमें इंग्लैंड देश, नॉर्दर्न इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, चार देशों से मिलकर बना है यूके, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और सांविधिक, इन चारों में अंतर देख लीजिएगा। तो संवैधानिक क्या कहलाता है? संविधान की भावना के अनुकूल कोई कानून बने तो वो संवैधानिक है। संविधान में नहीं है, संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया जा रहा है, तो वो गैर संवैधानिक है। संविधान से कोई नाता नहीं हो और संविधान के विरुद्ध हो तो वो असंवैधानिक। और संसद द्वारा बनाई गई संसदा द्वारा विधि निर्माण, ये कहलाता है सांविधिक। ये चार शब्दों के अंतर मालूम होने चाहिए आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे संपूर्ण को कवर करेंगे एक एक चीज़ों से। अध्यादेश क्या है? शॉर्ट टाइम पीरियड में कार्यपालिका द्वारा कानून बनाने की शक्ति अध्यादेश है। बहुमत देखिए कितने प्रकार के बहुमत होते हैं, तो एक तो साधारण बहुमत, आत्यंतिक बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत और विशेषित बहुमत। साधारण बहुमत में जो उपस्थित लोग हैं उनके आधे से एक अधिक जो मतदान कर रहे हैं, उपस्थित का मतलब कौन है कि जो मतदान कर रहे हैं। आत्यंतिक बहुमत में कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक चाहिए पड़ती हैं। प्रभावी बहुमत में तात्कालिक सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक चाहिए पड़ते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है कि उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक और आधे राज्यों का समर्थन। और विशेषित बहुमत में सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य। देखिए इन चीज़ें, ये जब कोई भी कानून बनता तो उसमें कहा जाता है कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, साधारण बहुमत से, तो आपको जानना चाहिए कि किसमें क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम संविधान सभा की स्थिति। तो मांग, अनौपचारिक मांग जो संविधान सभा की उठाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, और औपचारिक मांग एमन रॉय द्वारा 1934 में उठाई गई थी। वैश्वीकरण क्या है? पूंजी, श्रम, वस्तुओं, सेवाओं, संस्कृति, इन सब का मुक्त प्रवाह हो, कि रोक टोक ना हो, तो वैश्वीकरण आ गया। 1947 देश स्वतंत्र हुआ था लेकिन गवर्नर का पद बना रहा था। ये क्वेश्चन ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि गवर्नर का पद कब तक रहा था, 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी था।
1947 से 50 तक जो अपना इंडिया था वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था, और 1950 के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। अब हम एक एक करके सब चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले संविधान की जो प्रस्तावना है उससे शुरुआत होगी। तो उद्देशिका या प्रियम्बल कहते हैं। तीन रूपों में उद्देशिका को समझना है, एक तो सत्ता का स्रोत क्या है, दूसरा राज्य का स्वरूप क्या है, और तीसरा राज्य का लक्ष्य क्या है। तो सत्ता का स्रोत है हम भारत के लोग, जो भारत के नागरिक हैं वो सत्ता के स्रोत हैं। और दूसरा है राज्य का स्वरूप कैसा है, तो राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य का स्वरूप है। इसमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका अर्थ है कि ये मूल संविधान की जो उद्देशिका थे उसमें नहीं थे। अब इसके बाद देखते हैं राज्य का लक्ष्य क्या है। तो राज्य का लक्ष्य एक तो न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता, चौथा बंधुत्व। न्याय कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की बंधुत्वता होनी चाहिए। तो ये हमने जो प्रीएम्बल है ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 326 में मतदान का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता, स्वायत्तता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? कोई पूछ ले कि स्वतंत्रता क्या है, स्वायत्तता क्या है, स्वच्छंदता क्या है। तो स्वतंत्रता सीमित बंधन के साथ जो मिलती है वो स्वतंत्रता है। जब बंधन अधिक हो जाए, अंतिम निर्णय ही आपका ना हो, तो ये स्वायत्तता है। और स्वच्छंदता नियंत्रण या बंधन से मुक्त आत्यंतिक स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ना तो स्वायत्तता अच्छी है ना स्वच्छंदता अच्छी थी। स्वतंत्रता अच्छी है कि कुछ बंधनों के साथ हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो संविधान है उसकी प्रियम्बल देख ली। अब आगे के फैक्ट देखते हैं। तो भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। भाषाई आधार पर प्रांत, एस केदार कमेटी 10 दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सौंपी थी, और JVP कमेटी थी जो 31 दिसंबर 1948 जयपुर अधिवेशन। हर जगह ये खारिज हुई है। भाषाई आधार पर बनाने की मांग चल रही थी, लेकिन हर बार जो आयोग बन रहा था उसे खारिज कर दिया जा रहा था। लेकिन इसी समय एक तेलुगु राज्य की मांग की जा रही थी पोती श्री रामलू द्वारा, और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 56 दिन तक भूख हड़ताल चली थी। और जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो बहुत बड़े रूप में आंदोलन छिड़ गया था। उस कारण 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ा, और साथ में भाषा के आधार पर और राज्य बनाने के लिए फजल अली आयोग की स्थापना नवंबर 1953 में कर दी गई थी। अब देखिए वर्तमान में कौन कौन से राज्य की मांग चल रही है। तो महाराष्ट्र में से विदर्भ की मांग चल रही है। किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ की मांग चल रही है डेवलपमेंट के नाम पर। उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल, अवध और पूर्वांचल की मांग चल रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग चल रही है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग चल रही है जाति के आधार पर। कर्नाटक में कोडागु की मांग चल रही है डेवलपमेंट के आधार पर। बिहार में भोजपुर और मिथिलांचल की मांग चल रही है भाषाई आधार पर। और असम में बोडोलैंड की मांग चल रही है जाति के आधार पर। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर और राज्यों की मांग चल रही है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट जानते हैं। छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य। छोटे राज्य और बड़े राज्य में पक्ष बताना है कि पक्ष और विपक्ष। तो छोटे राज्य बने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे वो जान लीजिए। तो पक्ष क्या है? एक तो सांस्कृतिक विविधता कम है, इससे सामाजिक तनाव में गिरावट आएगी। प्रशासनिक नियंत्रण करना आसान है। योजनाओं का क्रियान्वयन आसान है। सामाजिक न्याय आसान है। जबकि विपक्ष में भारत में कई उपराष्ट्रीय पहचान है, जैसे भाषा, क्षेत्र, जाति, छोटे छोटे भाग हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? संघर्ष बढ़ेगा। और संघर्ष बढ़ने का अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? राष्ट्रीय एकता को संकट होगा। दूसरा, राज्यों के मध्य तनाव बढ़ेंगे। जब छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे तो वो अपना हित पहले देखेंगे, इससे संसाधन का क्या होगा? बंटवारा होगा। वित्तीय बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। सुझाव क्या दिया गया?
पंचायती राज व नगर निकाय जैसी संस्थाओं को अधिक अधिकारिता देकर विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम भाग दो पर आ गए हैं जिसका टॉपिक है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक ये चलता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार है, तो उनको याद रखिएगा, समानता या समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखिए यहाँ पर जो 29 30 31 छूट गया, क्यों छूट गया, क्योंकि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाएगा, तो 44 में संशोधन द्वारा हटाया गया था 1978 में। अब संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300A में है, और ये तो आपने जान ही लिया कि आर्टिकल 326 मतदान का अधिकार देता है। आगे देखते हैं और क्या क्या है अभी इसमें। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट और लगभग पूरी जो पॉलिटी है वो कवर करवा दी जाएगी 30-40 मिनट के अंदर आपको। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये कोई विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं हुए। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 368 संसद को शक्ति संविधान में संशोधन की, संविधान में जो भी संशोधन होते हैं उसकी शक्ति संसद को मिलती है आर्टिकल 368 के द्वारा। महिलाओं को प्राप्त विशेष अधिकार, राइट टू जीरो FIR कर सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज के बारे में IPC 498A भी है। राज्य के मनमाने अत्याचार से संरक्षण के लिए आर्टिकल 20, 21, 22 हैं। राजद्रोह जो सेडिशन है वो आर्टिकल 124A में है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 32 देखते हैं। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो क्या है ये? तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सी रिट होती हैं? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण। ये पांच प्रकार की रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके विरुद्ध होती हैं ये व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध होती हैं। परमादेश क्या है? सर्वोच्च आदेश है कार्यपालिका, कोई प्राधिकारी या कोई व्यक्ति के लिए। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध में रोक लगाई जाती है, कनिष्ठ न्यायालय के लिए है, अधिकरण अधिनियम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अधिकार परीक्षा क्या है? किस अधिकार से कोई भी काम किया है ये प्राधिकारी के लिए होता है। और अंतिम उत्प्रेषण रिट क्या है? पूर्ण या अधिक सूचित होना, पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है इसे, कनिष्ठ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक के लिए ये होती है। संसद को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व अनुच्छेद 34 पर कानून बनाकर मौलिक अधिकार को न्यून कर सकती है। अब ये हमने आर्टिकल 32 से रिट देख ली, कौन कौन सी रिट होती हैं, उनके क्या प्रकार हैं। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति पर, देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जानकारी है, ऑल फैक्ट मिल जाएंगे आपके लिए। तो जो राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा बनेगा विधान। ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि राष्ट्रपति के में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते निर्वाचन में, तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते इलेक्टोरल कॉलेज में। आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। आधार क्या रहता है? संविधान का अतिक्रमण करना। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? सबसे पहले आप 14 दिन पूर्व सूचना देंगे, फिर कोई भी सदन में प्रस्ताव पूछ लेंगे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस सदन से शुरू होती है, तो किसी भी सदन से। कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पहले। अब जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव उसके 1/4 जो सदस्य हैं वो संकल्प पर हस्ताक्षर करेंगे, और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 मत मिलेगा अगर दूसरे सदन में जाएगा। अर्धन्यायिक संस्था की तरह राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना
पक्ष रखने की अनुमति है। पक्ष रख देंगे फिर दूसरे सदन की कुल सदस्य संख्या का भी 2/3 मत मिल जाए, अगर उससे पास हो जाए तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार 6 पार्ट्स 6 स्टेप में महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, तो धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। आर्टिकल 72 देखते हैं राष्ट्रपति का, तो क्षमादान की शक्ति देते हैं। क्षमादान की शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। एक तो क्षमा पार्डन कर सकते हैं, प्रविलंबन रिप्राइव, विराम रिस्प्राइट, परिहार रिमोनिशन और लघुकरण कम्यूटेशन। तो ये 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम करना, परिहार करना, लघुकरण करना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सजा क्या है। तो क्षमा में क्या करते हैं, व्यक्ति को अपराध से डायरेक्ट मुक्ति दे दी जाती है। प्रविलंबन में केस की सुनवाई करने के लिए सजा का निलंबन करते हैं। विराम में क्या करते हैं, अपराधी की विशेष स्थिति के कारण सजा पर रोक लग जाती है विराम में। परिहार और लघुकरण से क्वेश्चन आता है कि परिहार में सजा की अवधि कम कर देना। देखो परिहार में जो सजा की अवधि है वो कम की जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदली जाती। और जो लघुकरण है उसमें जो सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अवधि नहीं बदली जाती, प्रकृति बदलेगी। और इसमें अवधि बदलेगी लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। आगे देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। तो इनको आप ज़रूर एक बार फुल देख लीजिएगा। भाग 18 जो है आर्टिकल 352 से 360 आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको कैबिनेट शब्द का प्रयोग सिर्फ संविधान में एक बार किया गया है, वो भी अनुच्छेद 352 में। आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं आपातकाल में। आर्टिकल जो 111 है वो वीटो की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन करता है मंत्रिपरिषद द्वारा। आर्टिकल 63 क्या करता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता है या अवैतनिक पद होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, अवैतनिक पद है। ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं रहता कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। इनको वेतन किसका मिलता है, सभापति पद का वेतन मिलता है। जो राज्यसभा में सभापति बनते हैं उसका वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद कैसा है, अवैतनिक है। आर्टिकल जो 76 है वो भारत का महान्यायवादी है। महान्यायवादी इस तरह पर संसद की कार्यवाही में हिस्सा तो लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है, नहीं कर सकता। महान्यायवादी सरकार के अधीन पद नहीं है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रख सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने राष्ट्रपति को देख लिया, उसकी शक्ति देख ली और उपराष्ट्रपति को देख लिया। महान्यायवादी पर आ गए। अब हम महान्यायवादी कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं संसद पर। तो राष्ट्रपति के बाद आ गए राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में है और जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में। जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238+12 और वर्तमान में 245 हैं, 233+12 ये मनोनीत है। जो लोकसभा है उसमें अधिकतम संख्या 550 होती है, जबकि वर्तमान में 543 है। पहले 545 थे, दो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी दिसंबर 2024 के चुनाव से जो मनोनयन था वो समाप्त हो गया है एंग्लो इंडियन का। ये ध्यान रखने की बात है। आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब 2024 के चुनाव से मनोनयन समाप्त हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोकसभा के लिए आयु थी वो 25 वर्ष थी। अब राज्यसभा देखते हैं। तो राज्य के निवास की बाध्यता नहीं है राज्यसभा में आने के लिए। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और जो इनकी आयु है
30 वर्ष की होती है। 30 वर्ष क्या योग्यता आयु है, लोकसभा की 25 वर्ष है, राज्यसभा की 30 वर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 102 संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो तो सदस्यता समाप्ति का निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया जाता है। आतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर देना होता है। विषय वस्तु के आधार पर जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के विधेयक होते हैं। एक तो साधारण विधेयक, आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के बारे में है। दूसरा धन विधेयक, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 और संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। तो ये चार प्रकार के विधेयक हैं। इन चारों प्रकार की याद रखिएगा, साधारण विधेयक 107, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, संविधान संशोधन विधेयक 368। आगे बढ़ते हैं, ये हमने जो ये देख ही लिए थे कि विशेष बहुमत कैसा होता है, साधारण बहुमत क्या है, अत्यंत जो अत्यंत वीटो है वो क्या है, इन सब के बारे में। विशेष बहुमत के बारे में एक बार फिर देख लीजिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक हो और उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्य अपना समर्थन दें। निम्न विषय जिनमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तो उनमें मुख्य है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, संघ व राज्य की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार है, सातवीं अनुसूची के विषय, उच्च व उच्चतम न्यायालय की शक्ति और आर्टिकल 368 में परिवर्तन। ये मुख्य विषय हैं जिनमें आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम में आते रहते हैं उन्हीं के बेस पर पूरी पॉलिटी के नोट्स तैयार किए गए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद भी आ रहे होंगे। देखिए अगला फैक्ट्स क्या है कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के द्वारा होता है, प्रक्रिया में यदि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर विधेयक को व्यवगत हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, अगर दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 112 से 117 तक है। अब बजट जान लेते हैं, तो दो प्रकार के बजट होते हैं, एक तो रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में हम टैक्स, पब्लिक अंडरटेकन, ट्रेड, लोन, जुर्माना, डाकघर बजट, पीएफ इनके बारे में जानते हैं। इनमें से टैक्स से लेकर पब्लिक अंडरटेकन, टैक्स, ट्रेड और लोन, ये सब संचित निधि में जमा होते हैं। संचित निधि आर्टिकल 266(1) में है। जो संचित निधि है उससे पैसे निकालने के लिए आपको संसद की अनुमति अनिवार्य है। और जबकि जुर्माना, डाक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि डाक कर जो बचत होती है वो संचित निधि में जमा होती है, नहीं, वो पब्लिक अकाउंट में जमा होती है जो आर्टिकल 266(2) के अंतर्गत है। सरकार द्वारा इसका सीधे खर्च किया जाता है, बाद में इसको CAG या PAC द्वारा बताया जाता है। एक तीसरा फंड और होता है, वो कहलाता है आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, आर्टिकल 267 में है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से बाद में संसद में प्रस्तुत करना होता है। तो ये है रेवेन्यू के बारे में, ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिए कि डाकघर बचत पब्लिक अकाउंट में होती है ना कि संचित निधि में। अब आगे चलते हैं, बजट संबंधी प्रस्ताव देखते हैं। बजट संबंधी प्रस्ताव में कटौती प्रस्ताव देखते हैं, तो तीन प्रकार की कटौती की जाती है, एक तो नीतिगत कटौती, एक मितव्ययित्व कटौती और एक सांगतिक कटौती। नीतिगत कटौती में इसका मतलब है कि मान ही नहीं रहे आपकी बात को, जो सरकार द्वारा पक्ष रखा गया है उसके विरोध में मत फैल गए, तो बजट में अनुदान की मांग घटाकर 1 रुपये करना, ये क्या है, नीतिगत कटौती। और मितव्ययित्व कटौती क्या है कि आपने 100 रुपये की डिमांड की जबकि आपको 22 रुपये दिए गए, मतलब कम दिए गए। और सांगतिक कटौती क्या है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो संकेत के रूप में विरोध जताने के लिए जितना आपने अनुदान मांगा उससे 100 रुपये कम करना, यह है सांकेतिक कटौती। अब सरकार के विरुद्ध क्या क्या प्रस्ताव ला सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव, ये कहाँ लाया जाएगा, केवल लोकसभा में। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, पत्रों का प्रस्ताव कहा जाता है, ये भारत का अनूठा प्रयास है,
मंत्री का वक्तव्य इसमें क्या है, अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, 10 दिन के भीतर परिचर्चा अनिवार्य है और अंत में मतदान भी आवश्यक है। और नियम 377 क्या है, जिन मुद्दों पर अन्य किसी प्रस्ताव में चर्चा ना हो पाए वो नियम 377 के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये हमने बजट भी देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तदर्थ समिति क्या है, इनको एडहॉक कमेटी कहते हैं। विशेष उद्देश्य के लिए जब भी कमेटी गठित की जाएगी तो उसे एडहॉक कमेटी कहा जाता है। कुछ समितियां देख लेते हैं, वित्तीय समितियां तो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति क्या कहलाती है, सदस्यों का निर्वाचन इसमें होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संगमी मत पद्धति द्वारा। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, निर्वाचन इसी प्रकार होता है। 1967 से विपक्ष का सदस्य समिति का अध्यक्ष बनता है। सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति, 1921 में बनी थी। और प्राक्कलन समिति, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किनको जुड़वा बहने कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहने कहा जाता है। तीसरी सार्वजनिक उपक्रम है, इसमें भी 15+7=22 सदस्य होते हैं। निर्वाचन वही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संगमी मत पद्धति द्वारा। और सत्ता पक्ष का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, तो सदन की कार्यवाहियों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ये विशेषाधिकार है। दूसरा, सिविल मामले में गिरफ्तारी सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक नहीं हो सकती। जब संसद सदन चल रहा है उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी सिविल मामलों में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका देखते हैं। अब हम आ गए हैं न्यायपालिका पर, संसद कंप्लीट हुई। अब न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, नियुक्ति है, वो बताया गया आर्टिकल 124 में। संख्या वर्तमान में 33+1 है, 1 CJI और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, सेवानिवृत्ति के बाद वकील के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है उसे। लाभ के पद पर नियोजित नहीं किया जा सकता। सांसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है, याद रखिएगा। 5 रिटों में से केवल बंद प्रत्यक्षीकरण रिट को लोअर कोर्ट भी जारी कर सकता है। पूछ सकते हैं बिल्कुल, लोअर कोर्ट निम्न में से कौन सी रिट जारी कर सकता, तो बंद प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय का पुनरावलोकन करना। और आर्टिकल 142, पूर्ण न्याय के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो 124 के तहत और हाई कोर्ट 214 के तहत। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है। तो याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संसद। आर्टिकल 226 में रिट अधिकारिता दी है, जो केंद्र के लिए आर्टिकल 32 और राज्य में हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, इन दोनों को याद रखना। रिट अधिकार के मामले में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रिट अधिकार के मामले में किसको ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, क्योंकि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन रिट अधिकार में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति रखता है। रिट वही है 5, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। इसमें से जो उत्प्रेषण है उसको पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। अब हम न्यायालय के तीसरे पार्ट पर आ गए हैं, जो है अधीनस्थ न्यायालय। इसमें जिला और सत्र न्यायालय आते हैं। तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। कुछ केस हैं, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बताई गई है। 1971 का मेनका गांधी केस है, इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया बताई गई है स्थापित प्रक्रिया की जगह। जो सबरीमाला केस है उसमें संवैधानिक नैतिकता के बारे में बताया गया है। लोक अदालत का पहला प्रयोग जूनागढ़ में किया गया था। पहला ई कोर्ट की अवधारणा को लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब हम चलते हैं पॉलिटी के लास्ट में टॉपिक, संघ राज्य संबंध पर। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा पॉलिटी। संघ राज्य संबंध देखते हैं।
तो संघ राज्य संबंध तीन प्रकार के हैं, विधायी संबंध, कार्यपालिकाई संबंध और वित्तीय संबंध। आर्टिकल 245 से 255 तक भाग 11 में विधायी संबंध है, 256 से 263 तक कार्यपालिकाई संबंध है, और भाग 12 में 268 से 293 तक वित्तीय संबंध है। विषय विस्तार देख लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ के द्वारा 100 विषय हैं, 66 प्रविष्टियाँ राज्य सूची में हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं और 52 विषय हैं। यदि राज्य के द्वारा बनाए गए किसी कानून को देखिए, ये तो मालूम है कि राज्य कानून बनाए, संघ कानून बनाए समवर्ती सूची पर, तो संघ का कानून मान्य होगा। लेकिन यदि राज्य के द्वारा बनाए गए किसी कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और उसी विषय के विरोध में संघ ने भले ही कानून बनाया हो, फिर भी राज्य का ही कानून क्या होगा, मान्य होगा। मतलब एक बार राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो फिर उसी का कानून मान्य होगा। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। नगर कैसे बनता है, अगर 400 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हो, 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो और जो 75% पुरुष आबादी है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तो वो नगर बन जाता है। पंचायती राज व्यवस्था देख लेते हैं। बलवंत राय समिति है 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977-78, जी वी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1996 और PK थुंगर समिति। ये इतने प्रकार की समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। भूरिया समिति द्वारा पेशा एक्ट की सिफारिश की गई थी, पेशा एक्ट कानून बना 1996। इसका जो पूरा नाम है वो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार कानून 1996। लोकपाल विधेयक आया था, अन्ना हजारे द्वारा आंदोलन किया गया था। तो लोकपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष है, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। आर्टिकल 153 के द्वारा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अध्यादेश का अधिकतम जीवन 7.5 महीने हो जाता है, इसको ध्यान रखना, अध्यादेश का जो जीवन है वो 7.5 महीने होता है। और राज्य के लिए अध्यादेश 213 में है, केंद्र के लिए 123 में है। क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास 161 में है। क्या क्षमा नहीं कर सकता, वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन उसका क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। सैन्य मामलों में क्षमादान का अधिकार नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार अब देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट जो पॉलिटी के बारे में कहे गए हैं कुछ विद्वानों द्वारा, और इसी के तहत साथ अंत कर देंगे इस सीरीज का। ये कुछ फेमस स्टेटमेंट है जो पॉलिटी में कहे गए हैं। पहला, नेहरू जी द्वारा कहा गया कि जब तक सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक राजनीतिक अवधारणा स्थापित नहीं होगी। सैम जॉर्ट थे, उनने कहा था समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपने सिर पर पहन सकता है। जॉन रॉल्स हैं, उनने कहा था कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनने कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। और अंत में J.S. मिल हैं, उन्होंने कहा था कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा किया जा सकता है, जता सकता है। तो ये थी संपूर्ण पॉलिटी। मैंने भाग एक से लेकर जो संघ राज्य संबंध तक था, राज्यपाल सभी के बारे में, केंद्र राज्य संबंध सभी बता दिए हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी, और मैं मुझे विश्वास है कि जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें यह काफ़ी मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।